नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल प्रधानमंत्री राजस्थान में थे और राजस्थान में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि लोग ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री ने अब अपना गियर बदल लिया है। अभी तक तो वो थोड़ा सा हौले हौले चल रहे थे, केवल इंडियन मुस्लिम लीग तक बात की थी, लेकिन कल जो बातें उन्होंने राजस्थान की रैली में कही है वो एक्चुअली पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो करी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान वो कौम है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है इस बात को कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात चुनावी रैली में करते हैं, और उनको क्यों करने की जरूरत पड़ती है। अगर उन्होंने इतना विकास किया है जो देश में 70 सालों में विकास नहीं हुआ है, तो फिर इस तरीके की घिनौनी बातें देश के एक समुदाय के लिए करने की क्या जरूरत है, मुझे उसका लॉजिक नहीं पता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान की रैली में जिस तरीके की बातें कही हैं, उसको लेकर विपक्षी गण और जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने उस स्टेटमेंट की भत्सना की है। और लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर ये शुरुआत है गियर बदलने के बाद, तो अभी प्रधानमंत्री 6 फेजेस में, जो भी 6 चरण बचे हुए चुनाव के, उसमें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि आप एक धर्म को, एक कौम को किस तरीके से ओपनली आप गाली बक रहे हैं। मंगल सूत्र का उन्होंने नाम लिया कि देखिए, वो तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि मंगल सूत्र को बेच डालेगा। तो इस तरीके की बातें करना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है, ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग इसमें चुप क्यों बैठा हुआ है? इसके पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री की उस बाइट को सुने और फिर आप अंदाजा लगाए कि आज मैं ये बातें क्यों कह रही हूं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री की का वो स्टेटमेंट। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में, राजस्थान की रैली में क्या कहा। और अर्बन नक्सल की सोच, घुसपैठिया, ये वो लोग जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आखिर ये इस तरीके का एक सभ्य समाज, एक सभ्य लोकतंत्र में क्या इन बातों की जगह होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। और जब वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तो वहां जो जमा भीड़ है वो ताली बजाती है। कल रात को अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो एक विंटेज मोदी नाम का एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। विंटेज मोदी, यानी कि मोदी का जो असली रूप है वो ये है, और उस पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी जब उन्होंने ये बातें बोली। तो आज हम किस तरीके का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने अपना अगर गियर बदल लिया है तो वो आखिर किस बात का संकेत दे रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान मौजूद है, प्रबल प्रताप शाही जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी और गिरीश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कबीर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी कि प्रबल जी, इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये किस बात का संकेत दे रहा है, और आप लोग क्या चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करने वाले हैं? वैसे तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन क्या आप लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज, जो नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे हैं, ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 वर्ष में कोई काम तो किया नहीं। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने 2020 और 2021 में जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवाई थी, और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के कारण, ना होने के कारण, उस समय लाखों हिंदुस्तानी, लाखों भारतीय लोग मर गए ऑक्सीजन
ना मिलने के कारण आपका भी कोई मरा होगा, मेरा भी कोई मरा होगा, जितने पैनलिस्ट हैं उनमें से किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई मरा होगा। इस हिंदुस्तान की लाखों महिलाओं का मांग अगर किसी ने उजाड़ा, सुहाग उजाड़ा, मंगल सूत्र उनके गले से उतरवाने का काम अगर किसी ने किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी, जिसने इस देश के हिंदुस्तान के लाखों भारतीय बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अनाथ कराने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस दौरान जब लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बिना, उस समय नरेंद्र मोदी बंगाल में जाके भाषण कर रहे थे, और उस दौरान नरेंद्र मोदी कोविड शील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम से करोड़ों रुपया चंदा वसूल रहे थे, और जाइडस कैडिला नाम की कंपनी जो रेमडेसिविर बनाती थी, जो टीके लगते थे, जिसकी कालाबाजारी हुई पूरे कोरोना काल में, मिलता नहीं था, उससे करोड़ों रुपए सैकड़ों करोड़ों रुपए चंदा लिया नरेंद्र मोदी ने वसूला। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई। अब जहां तक आपने ये सवाल किया है, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी कह रहा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। और मैं कहता हूं अगर विश्व में अगर नोबेल प्राइज मिले झूठ बोलने का, महा झूठ बोलने का, तो वह झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। जहां तक शिकायत की बात है, इसके पहले भी हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में तमाम चीजें आपत्तियां हमने दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई भी संज्ञान, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और मुझे लगता है कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी। इस तरह का विभाजनकारी बातचीत करना, भाषण देना, ये नरेंद्र मोदी की हताशा दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे। ये आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी के जो अब जो पार्टी वो 150 से नीचे जा रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को तो मार ही दिया है, अब उसमें कोई पार्टी के नेता उनके साथ है नहीं, अब नरेंद्र मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये हताशा में इस तरह की बातें और भी आपको सुनाई देगी, और लगातार वो इसी तरह के अनाप शनाप बकते रहेंगे। नरेंद्र मोदी अपना जो मानसिक संतुलन है, मुझे लगता है वो खोते जा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं अब अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से अपनी गाड़ी का गियर बदल लिया है, या ये एक्सपेक्टेड था कि इसी तरीके से अब और कम्युनलाइज किया जाएगा इस तरीके के इश्यूज को उठाकर? तो आप क्या सरप्राइज्ड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से? नहीं, मैं सरप्राइज तो जरा भी नहीं हूँ, लेकिन गियर जो अभी बदला है उसके कारणों को की समीक्षा जरूरी है। वो समीक्षा ये है कि कब उन्होंने गियर बदला। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आ गया, फेज का इलेक्शन हो गया, और उसके बाद निश्चित तौर पर ये लग रहा है हताशा, क्योंकि राम मंदिर और सारे जो उन्होंने क्रिएट किए थे, जो काफ़ी मतलब पैशन जिसको आप कहते हैं, उत्तेजना है, कोशिश की थी समाज में लाने की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ तो और भी पुअर परसेंटेज ऑफ पोलिंग हुआ है। तो ये इसका अर्थ हुआ है कि राम मंदिर के आधार पर उन्होंने जो कोशिश की थी, वो छवि बनाने की, राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और कितना सौम्य और ये जो है उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन सही किसी ने मतलब सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि ये अपने रियल सेल्फ में आ गए हैं, कि उनका असली चेहरा है उस पर कहता अपनी औकात पे आना, तो वो आ गए हैं अपने 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 सही चेहरे को लेकर के। इसलिए मुझको आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तब होता अगर आश्चर्य होता मुझको और डर भी होता कि अगर वो सौम्य हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि फर्स्ट पेज का इलेक्शन उनके पक्ष में गया, ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं गया, ऐसी रिपोर्ट उनको भी मिल रही है। दूसरा है कि कल का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि कल उसी समय जिस समय मतलब जब लगभग उसी टाइम में वो जो है रांची में न्याय रैली हो रही थी, और सारे जो एकजुट थे इंडिया गठबंधन के लोग, और ट्रेमें मतलब जबरदस्त रिस्पांस था। और आप वो रिस्पांस आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ झारखंड के लिए है। वो जो आदिवासी जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ किया गया है, उसका ये जो असर झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब पर पड़ने वाला है। तो ये भी था कि एक मतलब ऐसी स्थिति थी जिसमें कि इतना बड़ा मतलब एक आदिवासी नेता को किसका टारगेट किया गया, ये एक बड़ी चीज थी। दूसरा है क्या कि अभी जो हमको लग रहा है क्या ये जो चेंज ऑफ गियर हुआ है, अब ये बात दलित आदिवासी या जो पिछड़े हैं उनको ये समझ में आने मतलब ये बात पहुंच गई है नीचे तक। मैंने कई जो दलित संगठन है, जो गैर दलीय है, निर्दलीय संगठन है,
उनसे मेरे मेरा संपर्क है, उन लोगों उनसे मैंने बात की तो वो लोग ये मुद्दा नीचे तक चल उठा रहे हैं कि कुछ भी हो किसको दो मत दो, लेकिन ये जो संविधान बदलने की कोशिश चल रही है उसको रोकना है, मतलब बीजेपी को वोट मत दो। तो ये जो चैलेंज आ गया उनके सामने, तो फर्स्ट फेज का तो जो नतीजा आया क्या कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, राम मंदिर और ये जो कम्युनल मतलब जो उन्होंने एक धार्मिक सौम्य और क्या कहते हैं जिसको आप कहिए कि सन्यासी किस्म की अपनी छवि बनाने की कोशिश की, प्राण 11 दिन निर्जला या पता नहीं जल खा रहे थे या क्या पी रहे थे मुझको मालूम नहीं, ये सब जो कोशिश की वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक तो ये है और दूसरा है क्या कि जातीय जनगणना का कोई उनके पास रिस्पॉन्स, ये जो उन्होंने मंगल सूत्र वाली बात कही है और लोगों के हिसाब करने की बात कही है, वो आपके सोने का हिसाब लेंगे, ये यही है कि जाति जनगणना जो राहुल गांधी और कांग्रेस या बाकी जो पार्टियां इसके लिए कह रही हैं, तो जाति जनगणना होगा तो वो सबका हिसाब होगा कि किसके पास क्या है, और वो उसी का परिशारा कर रहे थे जाति जनगणना नहीं चाहिए। तो अब एक क्लियर एक बैटल लाइंस जिसको आप कहते हैं कि लड़ाई का जो की रेखा जो है वो खींच चुकी है, कॉमनल पैसन उभार करके जाएंगे। और लेकिन एक चीज जो नोट करना चाहिए कि अब उनका रियल सेल्फ इसमें उभरता है, आप देख रहे होंगे कि अभी जो प्रचार चल रहा था उनका उसमें बड़ा डल किस्म का वो लग रहे थे और बहुत ही मतलब एनर्जी भी उनका लगता था कि लो लेवल पे है, लेकिन जब कम्युनलिज्म का मुद्दा आता है, पैसन का मुद्दा आता है, धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा आता है, तो ये शख्स जो है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी एनर्जी का लेवल आप देखिए, मतलब उसके अंदर का वो जो है जो असली रूप वो उभर आता है। कोई भी प्रधानमंत्री क्या कोई भी साधारण सा एमपी भी, अनंत हेगड़े और इसकी बात को छोड़ दें मतलब प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों की, लेकिन कोई साधारण नेता भी इस तरह के बात करने में 10 बार सोचेगा और 10 बार हिचकेगा। और दूसरा है क्या, उन्होंने मिसकोट किया मनमोहन सिंह को, उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इसकी एक पर जो भारत की संपत्ति है या जो भारत का संसाधन है, वो संपत्ति भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि संसाधन है उस पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है कि मतलब कि जो पीछे छूट गए जिनको कि नहीं मिला है। और यह इसका संदर्भ भी है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी, उस पर डिबेट्स हो रहे थे, लगातार लोग सवाल उठा रहे थे जो उनका पिछड़ापन है अल्पसंख्यकों का, उसकी बात मतलब अल्पसंख्यकों मतलब मुसलमानों का वो चर्चा रही, तो उस पर उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे जो कि एकदम सच्चा पढ़ा लिखा और संजीदा इंसान ने इसको कहा था। लोगों को इस बात का भी कहना चाहिए कि मनमोहन सिंह पर इस तरह के तोहमत लगाना, खुद वो अल्पसंख्यक हैं सिख समुदाय से हैं और उसको इस तरह से करना लांछित करना ये व्यक्तिगत हमला भी है मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री का, जिसको कि बाद में याद किया जाएगा उसकी सौम्यता उसकी लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट, बाकी उनकी आर्थिक नीतियों और इसके खिलाफ है हम भी और उसके हम लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के तौर पर निश्चित तौर पर याद करेगा कि इतना सौम्य सज्जन और इतना विद्वान आदमी हिंदुस्तान की कुर्सी पर जवाहरलाल नेहरू के बाद सिर्फ वही बैठे हैं। ठीक है, अब मैं दीपक कबीर के पास आऊंगी, इस समय पुष्पराज देशपांडे जो कि डायरेक्टर है समृद्ध भारत फाउंडेशन के वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास थोड़ी देर में आती हूँ। दीपक मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पीएम की जो स्टेटमेंट था उसको एनालाइज किया जाए कि वो क्या कह रहे थे। वो मुसलमानों को घुसपैठी बताते हैं, वो मुसलमानों के लिए ये कहते हैं कि ये वो कौम है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है, फिर उन्होंने मंगल सूत्र की बातें कर ली, ये सब बातें इस समय उन्होंने क्यों किया? क्या अब वो ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना के फेवर में नहीं है? बार बार वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हैं कि देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सब बातें लिखी गई हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? और आज उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, आज उनसे बार बार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने अगर 70 सालों में जितना विकास नहीं हुआ अगर आपने वो 10 सालों में किया है तो आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? जी दीपक। देखिये नीलू, जहां तक बात है अगर हम दो तरीकों से इस बारे में बात कर सकते हैं, एक हम प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं और जो पूरी नहीं हो पाती, या हम ये मान लें कि चुनाव मैदान में एक प्रधानी स्तर का चुनाव हो रहा है उसमें जो चाहे बोले, जीतने के हारने के लिए कुछ भी चलता है, हम इसमें फंस जाते हैं। और इसमें माना ही जाता था जो संसदीय परंपरा है
एक बार बड़ा नेता हो जाता था, उच्च पदों पे आता था, तो वो गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखता था और चीजों को उस तरीके से नहीं करता था जिससे शुरुआती नौसिखिए, क्योंकि बड़े लोगों की बोली हुई बात को, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विपक्ष के नेता हो, बड़े लोगों की या इवन सांसद भी हो, मंत्री हो, बड़े लोगों की बोली हुई बात को गंभीरता से लिया जाता है, उसको सुनते हैं, उसको लोग आगे ले जाते हैं, उसको सुनने वालों की तादाद ज्यादा होती है। और यहाँ पे तो एक आदमी जो प्रधानमंत्री है, इसका मतलब है कि उसको कवर करना भी लोगों की मजबूरी भी है और फिलहाल तो भी चाहते भी चल रही हैं। ऐसे में कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो पूरी तरीके से चुनाव और चुनाव के अंदर भी घटिया चुनाव वाली बात कही है उन्होंने। अभी इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। एक प्रधानमंत्री का काम क्या है? एक प्रधानमंत्री का काम ये है कि जनता को विकास के मुद्दे से अपनी नीतियों से अवगत कराए। ये उनकी नीतियां नहीं है, पहली बात तो उसका काम ये होता है कि ऑलरेडी अगर वो पहली बार नहीं बन रहा है तो 10 साल के कामों को बताए कि देखो हम यहाँ तक लेकर आए हैं। और एक अच्छा राष्ट्र क्या चाहता है? एक अच्छा राष्ट्र पीस चाहता है, शांति चाहता है, तरक्की चाहता है, तनावग्रस्त जीवन चाहता है वहां के निवासियों के लिए। तो एक राष्ट्र को क्या तनावग्रस्त तनाव रहित जीवन दे पाए हैं मोदी, या एक राष्ट्र को क्या सुकून भरी जिंदगी उसके नागरिकों को दे पाए हैं, या वो उनको जो है एक प्रेम शांति और सौहार्द का माहौल दे पाए हैं? इसके आधार पर वोट मांगते तो समझ में आता था। मोदी ने जो चीज उठाई, मोदी का काम था कि अगर हवा में उनका कोई जूनियर नेता भी, आमतौर पर जो मोदी जी ने उठाया है वो छुटभैये नेताओं से उठवाया जाता रहा और छुटभैये नेता उसे फैलाते हैं और बड़े नेता से जब सवाल पूछती है तो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं है, तो गलत बात है, वो सफाई देते हैं। यहाँ पे मोदी प्रेस से सफाई देने नहीं आए, बल्कि उन्होंने खुद मंच से जो बातें कही हैं वो एक झूठ है। और एक झूठ को बेशर्मी से ले जाना, अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का काम जनता को झूठ से दूर ले जाना है, सही बात बताना है। 2006 की कही गई बात और 2006 में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, कही गई बात और वो आदिवासियों, दबे कुचले, महिलाओं, पीड़ितों, वंचितों के हित में कही गई बात, सच्चर कमेटी के तमाम आलोक में कही गई बात को तोड़ मड़ोड़ के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों पे फोकस कर देना अपने आप में झूठ की इंतहा है। 2006 में कांग्रेस, 2004 में कांग्रेस आई थी, 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल कांग्रेस रही। कांग्रेस को तो इसलिए लताड़ा गया, कांग्रेस पे बहुत माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने तोहमतें लगाई कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया। अगले 8 साल में क्या कर लिया उन्होंने? कायदे से तो उन्हें करना चाहिए था, कांग्रेस ने भी नहीं किया 8 सालों में, अगले जो 2006 में कह रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो एक सरकार की अकर्मण्यता नहीं है, जैसे कांग्रेस नहीं कर पाई जो उसे कायदे से करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो वो किया जो झूठ और नफरत की इंतहा है। और चुनाव आयोग साफ साफ कहता है कि आप धर्म के आधार पर चुनाव में वोट नहीं मांग सकते, आप वैमनस्य पैदा करके नहीं मांग सकते, आप झूठ बोल के नहीं मांग सकते, आप अफवाह फैला के नहीं मांग सकते। तो ऐसे में तो नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में उसे हेट स्पीच के तुरंत मुकदमे कायम होने चाहिए, उनकी रैलियों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए और उन्हें तो चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री पद में बैठा आदमी अगर इतना झूठ बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग के साथ कंसल्ट करे और उसे निर्देश दे कि एक ऐसा आपराधिक कृत्य है ये। एक प्रधानमंत्री का ये आपराधिक कृत्य है कि उसने गुमराह किया, उसने अफवाह फैलाई और उसने घृणा पैदा करी है और उसने तथ्यहीन बातें करी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों पे तत्काल प्रभाव से, उनके प्रसारण पे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए और इसके लिए घेराव होना चाहिए, चुनाव आयोग से बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं हुआ, अब मोदी ने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो विपक्ष को ये करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को। मोदी ने ये जितना मेरी जानकारी है नागपुर से कंसल्ट करने के बाद या नागपुर की शरण में जाने के बाद या वहां पे एक रात बिताने के बाद ये किया। मोदी पहले चरण में समझ चुके थे
कि उनके राम मंदिर का एजेंडा चल नहीं पाया है और बड़ी तेजी से हाथ से जमीन से खिसक रही है, मतलब हाथ से उनके छूट रही है चीजें। ऐसे में बचे हैं अभी छह चरण और उन छह चरणों में उनको मैक्सिमम पोलराइजेशन चाहिए। उन्होंने एक कोशिश बंगाल के मार्फत करने की कोशिश करी पर वो भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जितना अगर वो देर करेंगे उनके यहाँ से चीजें निकलती चली जाएगी। तो मोदी एक जिसे कहते हैं ना कुचले हुए सांप की तरह पुकार रहे, एक बिल्ली की जैसे खिसियाती है, खम्बा नोचती है, वो रोच रहे हैं क्योंकि इतनी घृणा के बाद भी हर हाल में उनके पास आ क्या रहा है। और मैंने बताया ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो 400 पार का जो लोड उन्होंने अपने सर पे रख लिया है, उन लोगों ने अपनी पुरानी स्ट्रेटजी के आधार पर, ये बहुत भारी पड़ेगा, इससे कुचल जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चुनाव होता तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अब 400 पार के दावे के बाद अगर 320 पे भी आते हैं तो हार है, आपके दावों की धज्जियां उड़ती हैं। तो इसलिए ये जो लोड आपने ले लिया, और किसी ने कहा नहीं था, वो शेखी में लिया है, वो जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, वो इनके बोझ इनके ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इनको लगता है कि नफरत का पोलराइजेशन इनको बचा सकता है, और नफरत का पोलराइजेशन का मतलब है कि सारे हिंदू आइडेंटिटी के वोट नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक तरफा मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो इससे पहले भी तमाम घृणा की बातों में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिलेंगे। तो ये छटपटाहट है, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को इस पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और है, ये जो कांग्रेस के अपना 30 लाख नौकरियों की डेट्स आई हैं कि डेट्स के साथ हम आपको नौकरियां देंगे, विपक्ष ने बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बता दिया है कि इतनी इतनी नौकरियां हम ऐसे देंगे। ये साफ साफ जो नौजवानों को, जो नौजवान 8 साल का था मोदी सत्ता में आए थे, आज वो 18 साल का है, 8 साल से वो मोदी को देख रहा है, गुड़गांव देख रहा है और अपनी हालत देख रहा है, अपनी पढ़ाई की हालत, एडमिशन ना मिलने की हालत, कोरोना का सब कुछ देख चुका है, वो प्रचार उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। जो 8 साल का थी, जो 12 साल का रहा होगा, 14 साल का रहा होगा, वो आज 24 साल का हो चुका है, अब क्या करेगा वो। तो ऐसे में उसको अगर दिख रहा है कि साफ साफ एक नौकरी मिल सकती है, साफ साफ ये डेट हो सकती है, तो क्यों नहीं देगा। और वो नौकरी देने की अगर बात करता है तो उसके परिवार के 5 लोग हैं, आप 30 लाख लोगों की अगर उम्मीदें जगा देते हो, 30 लाख का मतलब है 6 लोग एक परिवार में, तो 1.8 करोड़ हो जाता है। तो आप इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो क्यों नहीं बदलेगा। और इस नौकरी देने की कार्ड क्या है उनके पास, हवा में 2 करोड़ नौकरी नहीं है। जो कांग्रेस ने ऐलान किया है, जो तेजस्वी यादव अपने छोटे से प्रशासन में देकर आए हैं, जो ये अपने अखिलेश यादव ने घोषित किया हुआ है, उन नौकरियों की कार्ड कहां से लाएंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी अभी और ज्यादा गवर्नेंस पैदा करेंगे, विपक्ष को पूरी तरीके से, जनता को पूरी तरीके से, एक तो इनका बहिष्कार, इनको इग्नोर करना सीखना होगा, मुद्दा नौकरी पे बनाए रखें, मुद्दा महंगाई पे बनाए रखें, लेकिन जो संसदीय कार्य समितियां हैं वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो तुरंत चुनाव आयोग पे जाएं, इनके भाषणों पर प्रतिबंध लगवाएं, उनके सोशल मीडिया प्रसारणों पर रोक लगवाएं, और हो सके तो इनके चुनाव को भी चैलेंज करें, क्योंकि ये इतना ऐलानिया झूठ है कि जिसका और कोई काट नहीं है, ये नहीं रोका गया तो ये बढ़ाते जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक ऐलानिया झूठ प्रधानमंत्री ने बोला है। गिरीश जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, उसके बाद पुष्पराज के पास आऊंगी, कि इस ऐलानिया झूठ का आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान लेगा? जो बात दीपक कह रहे थे कि इनकी चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इनकी रैलीज को बैन करना चाहिए, आखिर आज किसमें हिम्मत है कि वो ये काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? नीलू जी, इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा एतबार करना इसमें कोई अक्लमंदी है नहीं। अब देखिए, इनका तो कैसा एक सिस्टम सीधा चलता है कि नरेंद्र मोदी एक सैटेलाइट है जो नागपुर के कंट्रोल रूम से, वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो फॉलो करते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाई थी कि पहले इन्होंने राम मंदिर का प्रपोजल बनाया जो उन्होंने फुलफिल किया, लेकिन वो नहीं चला, तो सेकंड इन लाइन उसी वक्त वो 400 प्लस वाला जो नारा था वो चला दिया, वो भी बड़ा बुरी तरह पिट गया। फिर इन्होंने शुरू किया
कि राम लला की कांग्रेस वाले या ऑपोजिशन वालों को पड़ी नहीं, मैंने इनवाइट किया वो आए नहीं, द्वारका में मैं दरिया में नीचे जाके मैंने इतना बड़ा काम किया किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये सब नरेटिव चलने के बाद सडनली वो कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन आना बंद हो गए तो सैटेलाइट नागपुर चली गई 9 साल में पहली बार। वहां से अभी ये मूवमेंट जो चलने लगे तो आप देखिए वहां पे भी जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें बड़ा अजीब किस्म का ही कुछ हुआ कि वहां से बहुत ही नजदीक में नितिन गडकरी जी थे, या तो मिलने नहीं गए या इन्होंने बुलाया नहीं, वहां से क्या हुआ डेवलपमेंट समझ में नहीं आया। फिर कुछ और फिर आना ऐसे कुछ छोटी सी मीडियाज में ये आया कि भाई वहां पे उन्होंने कोई 250 किन्नरों से भी मीटिंग करी, लेकिन वो मेजोरिटी में जो सरदार लोग थे उनसे वो नहीं मिले। तो मेरे को लगता है वो सैटेलाइट जैसे स्ट्रे सैटेलाइट हो जाती है, जब उसका एक्सपायरी डेट काम पूरा हो जाता है तो हे वायर हो जाती है, ये सैटेलाइट हे वायर हो गई, वो कुछ भी बोल रहा है। अब फाइनल इनके पास एक ट्रम्प कार्ड जो लगता है हमेशा चलेगा वो हिंदू मुस्लिम वाला है। मैं आपको कुछ पुरानी बात याद करा दूं कि ये बिल्कुल इलेक्शन के वक्त जब लगता है कि इनके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है वो चलाते हैं, तो 9 साल पहले इन्होंने यूपी में ऐसे ही कहा था कि गुजरात में हम लोगों ने हज के लिए 4,800 का कोटा बना के रखा है और मुस्लिम जाते हैं, यूपी में लोग नहीं जा रहे क्योंकि यूपी के मुसलमान बहुत गरीब हैं, तो हमारी सरकार अब चाहेगी कि यूपी के मुसलमान, ये इलेक्शन के बाद इनका बड़ा मुसलमान पहले नफरत आता है फिर इनका प्रेम आता है। अब मैं आपको एक ही इंसिडेंट से याद दिला दूं, अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए 15 साल पहले इनका एक नागपुर में प्यारे खान करके इनका एक पोस्टेड आदमी आप देखिए जिसको मुसलमान ये मानते कि वो आज भी नहीं करता, वो इनको बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, अभी वो कश्मीर में भी गया था इनका प्रोपोगंडा करने के लिए। आप उसका रिसर्च करिए प्यारे खान कौन सा कैरेक्टर है, वो ऑटो रिक्शा चलाता था, वो रेकड़ी निकालता था स्टेशन पे, 15 साल के बाद ही इज ए मल्टी मिलियनर, उसको करोड़ों के ठेके मिल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे उनको टोल ना के मिल रहे हैं। तो इन लोगों ने जो कुछ ऐसे वो हिडन जो मिसाइल्स रखी थी उसको अब इन्होंने फोड़ना चालू किया, तो इनको जो बोलना होता है जहां पर वो एक चीज होती है, इनको जब इंप्लीमेंट करने में आता है दूसरा होता है, तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी इनका प्लानिंग है, ये ऑपोजिशन उसको काउंटर कर पाएगा तो चलेगा, बाकी नहीं तो ये चलाते रहेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड अब चलेगा नहीं क्योंकि लोगों ने अब उस पर एतबार करना छोड़ दिया है। नीलू जी ठीक है, अब पुष्पराज मैं अब आपके पास आती हूँ कि आप प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट को आप किस तरह से लेते हैं, क्या ये अब चीजें और इंटेंस हो जाएंगी आने वाले फेजेस में, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष किया है, वो एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपनी चुनावी रैलियों में इस तरीके का वो जहरीले स्टेटमेंट्स देते हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं, और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेगा और इस पर इंडिया अलायंस क्या करेगा, क्या करना चाहिए? नीलू जी आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नीलू जी? हाँ बोलिए बोलिए। जी जी देखिए मैं कुछ चीजें आपको पहले ही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123 ए और सेक्शन 125 का उल्लंघन है। 123 अभी मैं पढ़ के आपको सामने बता रहा हूँ, 123 क्लॉज 3 ये कहता है कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के नाम पे वोटिंग नहीं मतलब वोट नहीं मांग सकता, इसका उल्लंघन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सेक्शन 123 ए ये कह रहा है कि कोई भी कौम को धार्मिक रूप के ऊपर अगर आपने एनिमिटी करने की कोशिश की चुनाव के समय ये उल्लंघन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक मैटर है। और थर्ड सेक्शन 125 ये कह रहा है 125 और 123 ए कि अगर आपने एनिमिटी की बिटवीन क्लासेस इन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आपको सिर्फ मतलब आपको सिर्फ डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है बट बैन लग सकती है आपको कुछ समय के लिए। तो इन तीनों सेक्शंस का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये एक संस्थागत बात है, ये एक लीगल बात है, आपको पहले आपके दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों कर रहे हैं। देखिए पहले चुनाव के बाद पहले फेज के बाद जाहिर से बात है कि जो वेव वो चाह रहे थे, जो मोदी वेव वो चाह रहे थे, वो मेटा नैरेटिव माहौल तैयार करने की चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया है, इसीलिए उन्होंने सिग्नल कर दिया है, एक संकेत दिया है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि जो भाजपा बार बार हर चुनाव में जो अपना परमाणु बम फोड़ती है हिंदू मुस्लिम करके, मैंने आपको इजाजत दी है कि आप खुलेआम, तो आप जैसे मैं आपको पहले शो में भी कह रहा था कुछ आपके कई शो में कि फर्स्ट फेज के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीनियर नेता उनके ट्राइड एंड टेस्टेड टैक्टिक्स पे वो वापस जाएंगे, और मान लिए कि इतने सारे इनके जो नेता है ये सब डॉग विसल करेंगे। वो तेलंगाना के एक एमएलए है
महाराष्ट्र में एक दो नेता है, ये हर सारे लोग यूपी में कुछ लोग है, मध्य प्रदेश में है, ये सारे लोग अब हिंदू मुस्लिम के ऊपर इस ढंडोरों के ऊपर वो पीटता रहेंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आप ये समझिए ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आरएसएस ने उनको संकेत दिया है। ये इस बात से जो पहले हमारे जो पैनलिस्ट है इससे मैं थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के बीच में अभी बहुत गहरा झगड़ा चल रहा है। ये फर्स्ट फेज में बहुत भारी था, आरएसएस के कार्यकर्ता बाहर निकले नहीं है वोट करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जोर लगा दी है कि उनके जो चुने बुने लोग हैं जैसे वसुंधरा राजे है, शिवराज चौहान है या गडकरी जी है, या तो उनको टिकट ना दिया जाए, उनके लोगों को टिकट ना दिया जाए, या उनको अगर वो खुद जिद करके खड़े हो रहे क्योंकि बहुत सीनियर नेता है जैसे गडकरी जी, उनको हराया जाए। तो ये बेसिकली आरएसएस के लोगों को उत्तेजित करने की एक रणनीति है भाजपा ने जो अपनाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, कि देखिए हम आपके कोर एजेंडा पे चली गए, ये एक उनका उनकी एक कोशिश है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोशिश सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन इसको करते करते ये ड्रास्टिक इन्होंने स्टेप इन्होंने अपनाया है, इसके कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। क्योंकि जैसे पहले दीपक वीर जी कह रहे थे प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, हमारे आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री वाजपेयी भी, उन्होंने एक मर्यादा का वो रखा था, जैसे क्या बोलते हो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने सारे मर्यादाओं का सारे जो लक्ष्मण रेखा है उनका उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री ये होते हैं कि एक देश को मार्ग दिखाए, प्रेरित करे, बंटवारा मतलब देश को बांटे नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख कौम उस कौम के बेसिस पे जाति के बेसिस पे, बट बल्कि सबको इकट्ठा करके लेके आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों का उल्लंघन किया है, उनको कचरे के पेटी में उन्हें डाल दिया है। फाइनली मुझे ये इस मुद्दे को आप एक संरचनात्मक रूप से देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाह रहे इस भड़काऊ भाषण से कि सारे जो हिंदू है वो बिगट है, जो हिंदू और सॉरी मुसलमान कौम कम्युनिटी को जाके ही आगे बढ़ सकते हैं। अब आप समझिए ज्यादातर हिंदू गंगा जमुनी तहत में बिलीव करते हैं, जो कोई भी हिंदू वसुदेव कुटुंबकम को जाता है, जो उपनिषद पढ़ते हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, कहते हैं कि उसमें लिखा है क्लियरली उपनिषद में कि अयम बधुरायम नेति गणना लघुशेतम उदचेतम तु वसुदेव कुटुंबकम। तो अगर कोई भी अथर्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, अगर कोई भी हिंदू ये समझता है कि हम लोग मतलब ज्यादातर हिंदू ये समझते हैं कि हम लोग अपने नेबर के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, वो अपना काम करे, हम अपना काम, वो गंगा जमुनी तहजीब वसुदेव कुटुंब में बिलीव करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जो अपनी जो सिविलाइजेशनल संस्कृति है इसको तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग किस्म का हिंदुइज्म थोप रहे, और बेसिकली ये जो हम सब पे जो जिम्मेदारी है, ये जो धर्म हम सब पे जो जिम्मेदारी डालती है, उसी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संवैधानिक भाषा में उसका प्रचार किया था कि जो हमसे पिछड़े हैं, जो हमसे जो कम कमजोर है, उनको हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बढ़ोतरी में हम लोग हाथ बढ़ाए। यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बात करी थी। अब ना ये तो संवैधानिक जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उसके विपरीत बात कही है, ये नॉट ओनली संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है बट ऑल्सो हिंदू धर्म के विपरीत है, लेकिन अब ये बढ़ता ही जाएगा ये साइकिल जी। ठीक है, अब मैं सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ, एक एक मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगे सब लोग। मैं सबसे पहले अनिल सिन्हा जी से शुरू करूंगी कि अनिल जी, अब जो बात है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, उनकी लगाम को कौन कसेगा, उन पर ब्रेक कौन लगाएगा, नहीं तो फिर वो इससे भी ज्यादा जहरीली चीजें बोलेंगे, और आज जो मुसलमान तबका है उस पर क्या असर पड़ेगा अब आने वाले दिनों में। और अब जब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई मोदी जी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गए और इस तरीके की वो जब स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो क्या असर पड़ेगा। जी अनिल जी, देखिए उनको उन पर लगाम लगाने के लिए दो तीन संस्थाएं, जिसको संस्थागत व्यवस्था है वो है जुडिशियरी और दूसरा चुनाव आयोग, जो लगाम उन पर कानूनी तौर पर लगा सकता है। तो ये जो संस्थाएं वो लगाएंगी क्या, तो चुनाव आयोग को तो आप डिलीट कर दीजिए, उसका तो कोई चांस नहीं है। जुडिशियरी में क्या होता है देखना चाहिए, और ये ऑप्शन भी लेना चाहिए मेरे ख्याल में, कानूनी लड़ाई के लिए भी विपक्ष को तैयार रहना चाहिए।
दूसरा है क्या है कि जो मोरल आप लगाते हैं लगाम, वो दो दो मतलब संस्थाओं से लगेगी। एक है जो कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, लेकिन एक तरह संवैधानिक भी है, मीडिया और विपक्ष। तो मीडिया का तो आप हाल देख ही रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा है, आप जैसे लोग हैं सोशल मीडिया में लोग हैं जो इसको काउंटर कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे, उनको मोरल ग्राउंड पर तो जरूर पूछ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने ये ट्वीट किया है कि क्या ये किसी प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है इतने निचले स्तर का घटिया स्तर का बयान दे, तो वो तो चल रहा है। दूसरा है विपक्ष, विपक्ष के बारे में मुझको लग रहा है कि ये तो विपक्ष के ही प्रहार का नतीजा है, इसीलिए विपक्ष को अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, उसको उन मुद्दों पर टिके रहना चाहिए, जाति जनगणना हो, चाहे संविधान की रक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार के बारे में जो उसने वादे किए हैं उसको बताने का हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पर लूट लिए इन्होंने पैसे, वैक्सीन कंपनियों से पैसे ले लिए जो बता रहे थे, तो वो इन दवा कंपनी जिसमें कि जिसने कि जिसके कारण हजारों लोग लाखों लोगों की जान गई, ये सवाल उठाते रहना चाहिए। और मैं आपको ये इसका एक और नतीजा बताता हूँ कि इससे दलित और अल्पसंख्यकों को ये सबक लेनी चाहिए कि उनको अपना जो प्रहार है, मतलब अब जो उनका बचाव है अपने संविधान की रक्षा का, उसके बारे में अब उनको दो मत में नहीं रहना चाहिए, अब उनको ये चुनाव में इसका हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात है, एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये जो उन्होंने बयान दिया है वो इसलिए भी दिया है कि फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन में जो लोग कम निकले उसमें भाजपा के लोगों के बारे में कहा गया कि भाजपा की मशीनरी और आरएसएस की मशीनरी नहीं निकली, उसको उनको ये करने के लिए मतलब क्या कहें उनको ऊर्जा मतलब उनमें सब फूंकने के लिए, जान फूंकने के लिए इन्होंने किया है। ये सिर्फ आक्रमण नहीं है, ये उनके लिए भी है जो जो लोग सोए हुए थे, सोए हुए मतलब जिन्होंने छोड़ दिया था, अभी गए नहीं, निकले नहीं इसके समर्थन में, ये राम मंदिर और रामनवमी वगैरह का सब फेल हो रहा है, सब चला लेकिन नहीं हो पाया, उसमें जान फूंकने के लिए वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपना वो जो जो कॉमनल एलिमेंट्स हैं जिसको कि 10 साल में तैयार किया है बीजेपी और मोदी जी ने, उसको भी वो एनर्जाइज जिसको कहते हैं कि उसको उसमें जान फूंकने के लिए कर रहे थे, तो इसीलिए अब आपको अब वो उसमें जान फूंक पाते हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके ये जो गिमिक है इनका, ये जो इनका तरीका है, इससे वो लोग भी वाकिफ हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गए, डेढ़ दशक से मतलब ढाई दशक के आसपास हो रहा है इनका, 2002 मतलब वहाँ से गुजरात से लेकर अभी तक, और ये उनका भी इस्तेमाल करते रहे और उनको भी लग रहा है कि ये हमारे नेता नहीं है। तो बीजेपी के वर्कर्स और आरएसएस इसके बयान से कितना उत्साहित होते हैं, वो जो स्प्रिंट पर बैठा हुआ समर्थक है वो तो उत्साहित हुआ, वो जो तालियां आप बजते हुए देख रहे हैं, वो जो भगवा पहन करके आया है जो उनका समर्थक है वो तो हुआ है, लेकिन ये वर्कर्स क्या सच में इनको तैयार है समर्थन देने के लिए? तो मुझको लग रहा है कि यही स्थिति, ये सिचुएशन यही है। ठीक है प्रबल जी, आप क्या कहेंगे? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। देखिए मैं तो फिर से वही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई न कराकर देश के अंदर बहुसंख्यक समाज को मारने का काम किया, और इस देश के अंदर लाखों लोग मारे गए, हिंदुस्तान को उसने शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, 750 किसान शहीद कराए नरेंद्र मोदी ने, तब नरेंद्र मोदी को नहीं समझ में आ रहा था। नरेंद्र मोदी लगातार इस देश की महिलाओं का मांग उजाड़ा, उन्होंने मौत बांटने का काम अगर किसी ने किया हिंदुस्तान के, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए, 750 के जो किसान शहीद हुए उनके बच्चों का क्या हाल होगा? नरेंद्र मोदी ने कभी जानने की कोशिश की? अडानी को पूरा देश दे दिया, संपदाएं दे दी और उस पर कोई सवाल न उठाए, इसलिए नरेंद्र मोदी उसको बचाव करना चाहते हैं। इस देश के दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के ऊपर जो लगातार 10 वर्षों में हमला हुआ है उसको नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोगों ने किया। कभी मध्य प्रदेश के आदिवासी के ऊपर पेशाब किया भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने, कभी जो है हम ये अपना हाथरस में दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ, लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी लाश भी उसके परिवार के लोगों को नहीं दी, लगातार मारने का काम किया। संविधान को खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, उनके नेता आनंद हेगड़े और उसके बाद ज्योति मिर्धा और उसके बाद लल्लू सिंह और अभी कुछ दिन पहले अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने, और बिहार में मंत्रियों के सामने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं।
यह एक लगातार नरेंद्र मोदी का हमला है और इसको और कुछ मत समझिए, नरेंद्र मोदी की हताशा है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं यह इसलिए यह बात कर रहे हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन नाम की चीज ही मुझे नहीं लग रहा है एग्जिस्ट कर रहे इस समय। इलेक्शन कमीशन को जिससे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो चुका है, उसको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी भाषाओं को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते, लगता है नरेंद्र मोदी को लगता है कि इससे पोलराइजेशन हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी भूल जाए। नरेंद्र मोदी के लगातार अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के सांसद गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा ने अभी राजपूतों और गुजरों के ऊपर, गुजर समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अभी जो है बरेली के अंदर वहां के मेयर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मियों के समाज को अपमानित करने का काम किया है। कुर्मी समाज के अंदर भी बड़ी बड़ी दुख है, त्यागी समाज के अंदर बड़ा परेशानी है नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर। राजपूत समाज खड़ा ही है, सैनी समाज, किसान समाज, किसान जातियां इनके खिलाफ खड़ी है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हार दिख रही है। इसलिए इस हार को देखते हुए नरेंद्र मोदी परेशान भाषा में ये बयान देते जा रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है दीपक, अब मुझे ये बताइए कि अब जो जो जिसको, जिन हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपका जो फायदा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वो सब सब मुसलमानों को चला जाएगा, आखिर हिंदू इसको कैसे लेंगे? आज हिंदुओं को भी तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके का एक झूठा नैरेटिव मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच में परोसने की कोशिश कर रहे हैं। जी दीपक, संक्षेप में देखिए, पहली बात तो जो कोविड के दौरान जितनी मौतें हुई, बतौर प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर आती है और उसमें बहुसंख्यक मरे हैं, हिंदू मरे हैं बहुत बड़ी तादाद में। किसान आंदोलन में जितनी मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आती है, तो वो हम हत्यारा शब्द नहीं कहेंगे लेकिन जिम्मेदारी आती है तो आप समझ सकते हैं, और उनको ओन भी करनी चाहिए। छोटे व्यापारियों की आत्महत्याएं हुई हैं, छोटे व्यापारी तबाह हुए हैं, उनकी भी सारी जिम्मेदारी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आती है। तो नरेंद्र मोदी ने जितने क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, अब उस क्रेडिट की भीड़ से वो तमाम तबाहियां निकल कर आई हैं जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर आती है। और नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाना इसीलिए इस बार गड़बड़ है क्योंकि नरेंद्र मोदी, भाजपा चाहे बचा ले जाती चुनाव, गडकरी होते, दूसरे लोग होते, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार तय है। अब इस पर मैं बात, इसलिए बहुसंख्यकों को कोई फर्क नहीं हो रहा, ये सब बहुसंख्यक लोग ही हैं। जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, स्टेटमेंट से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता खो दी है कि उनकी किसी बात का, 2 करोड़ रोजगार हो, 50 लाख हो, 15 लाख हो, चौराहे पे मारना हो, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले वो मोहम्मद शमी को अपना भाई बनाते हैं और अगले दिन कसाई बना देते हैं, तो इसलिए उनकी किस बात का माना जाए? एक दिन पहले जो शख्स भाई होता है अगले दिन वो कसाई बन जाता है। तो नरेंद्र मोदी की बात को गंभीरता से ना मुसलमान लेते हैं, ना हिंदू लेंगे, ना सिख ले पाएंगे, ना ईसाई ले पाएंगे, ना इस देश की महिलाएं लेंगी, ना आदिवासी लेंगे। भाई एक दिन भाई अगले दिन कसाई वाले आदमी को कौन कौन तय करेगा कि वो क्या है? तो इन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। दूसरी चीज, ये जो स्टेटमेंट था, उन्होंने तो झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के बहाने जो खंगाला गया वो 2006 का स्टेटमेंट है, वो अल्पसंख्यकों का अकेले का नहीं है, वो सभी वंचित जातियों, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का संयुक्त है। तो यही तो जातीय जनगणना भी कह रही है। तो आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, वंचित वर्ग को, महिलाओं को और अल्पसंख्यकों की को अपनी एकजुटता और बजाने की जरूरत है। हो सकता है इस 30 लाख नौकरियों में जाति जनगणना के हिसाब से 25 लाख नौकरियां उनके हिस्से में आ जाए। तो विपक्ष को और जनता को नरेंद्र मोदी के बहाने इस उम्मीद को और इस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी चीज, मेरा मानना है कि ये ताकत की दुनिया है। आज चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास ताकत है। आज जो है तमाम संस्थान नरेंद्र मोदी के हैं, ईडी, सीबीआई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास ताकत है। लेकिन ये ताकत कभी भी खत्म हो सकती है, हो सकता है 4 जून को ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में हमें कागजी कार्रवाइयां जरूर करते रहना चाहिए। ईसीआई तो एक इंस्टीट्यूशन है, आज कोई और बैठेगा, कल कोई और बैठेगा,
तो और मेरे सामने खुला हुआ है लेटर टू ईसीआई टू बैन नरेंद्र मोदी के लेटर्स, पब्लिक इंडोर्समेंट्स के साथ बड़ी तादाद में भेजे जा रहे हैं। कई मीडिया ग्रुप्स अपनी तरफ से भेज रहे हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट अपनी तरफ से भेज रहे हैं। तो ईसी लेटर टू ईसीआई टू बैन नरेंद्र मोदी इलेक्शन का पूरा जो है सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग एक्शन अगेंस्ट श्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी फॉर दिस एक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये पूरा लेटर्स है, आपके पास ही पहुंच जाएगा। तो हमें इस प्रक्रियाओं को पूरा करते रहना चाहिए। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से डिसीजन आया था, उनका चुनाव रद्द हुआ था, वो भी बड़ी ताकतवर थी एक समय में। तो नरेंद्र मोदी भी कब पता चला इसी चुनाव के बाद जेल पहुंच जाए, ये कोई नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये दंगे करा सकता है देश में गृह युद्ध पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने देश को आग में झोंकने का काम किया है, इसलिए ये इतना बड़ा अपराध है कि इस आदमी को बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, इसकी आवाज को बंद होना चाहिए। ये सार्वजनिक जीवन में रहने और बोलने योग्य है ही नहीं। तो ये तीन चार पक्ष हैं, विपक्ष को इससे फायदा उठाना चाहिए, दलितों पिछड़ों महिलाओं अल्पसंख्यकों की एकजुटता की बात करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के चरित्र को साफ कर देना चाहिए कि कल जिसे भाई कहते हैं आज उसे कसाई कह देते हैं, और जी भर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जुडिशियरी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी ठीक है गिरीश जी, अब जो बात ये अभी अभी दीपक कह रहे थे कि हो सकता है कि मोदी जी को इस चीज के लिए जेल भी हो जाए, और क्वाइट पॉसिबल अगर इस तरह से कंप्लेन जाएगी बाद में कोई अगर कोर्ट संज्ञान लेता है, तो आज क्या अपने अपनी खुद ही हसारत करने में लगे हुए, एक तरफ वो भारत को विश्वगुरु कहते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर मोदी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आज पूरा विश्व जब इनके स्टेटमेंट को देखेगा तो वो उसको किस नजर से देखेगा। जी गिरीश जी। नीलू जी, पहले तो आपको ये लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि आज क्षत्रियों ने गुजरात में अल्टीमेटम दिया था, आज मोदी जी आने वाले थे, वो आए नहीं, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देयर इज नॉट अ वर्ड कि क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि आने से कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अभी से इन्होंने पार्ट टू का जो ऐलान किया उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑल ओवर इंडिया उन्होंने बता दिया है कि भाजपा को हराना है, उसके लिए बहुत बड़ी मुहिम ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो लोकल से ये लोग शुरू हो गए बताने के लिए कि भाई आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लोग जो है वो वर्ग विग्रह कराने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये सही नहीं है, और इनको किसी भी माँ बेटियों की इज्जत करना नहीं आता है। तो ये जो बड़ा भी मुहिम शुरू होगा ये बहुत ही बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। और राजकोट में ना आना, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम था जो डेड एंड पे हिट हो गया था, देयर वॉज नो सोल्यूशन। और दूसरा आप देखिए कि मालदीव्स का जो अभी एपिसोड हुआ है कि वो जो चिल्ला रहे थे, वो जयशंकर जो पूरा एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि मालदीव तो बुरी तरह हार जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जो भी बोलता है दैट इज आल्सो मिसफायर्ड, वो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गए। तो मेरे को लगता है समय बदल रहा है, ये कुछ भी बोल रहे हैं, और क्योंकि अभी इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा है तो ये जो गैलपेल जैसे आ रहे हैं वैसे बात कर रहे थे। आप देखिए वो मनरेगा में भी उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि आपका ये जो फेलियर का ताबूत है इसको मैं चालू रखूंगा, और आप लोगों ने 60 साल के बाद क्या किया कि आपने मजदूरों को खड्डों खोदने के लिए भेजा, तो आज आपने मनरेगा में क्या, आप तो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हो। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गए राइट अप टू द बॉटम, पब्लिक डिस्कस कर रही है। और दो मुद्दे जो राहुल गांधी ने दिए हैं, एक नौकरी का और एक आदिवासियों की जमीन का, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है कि अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ओबीसी की नौकरियां चली जाएंगी, अगर ये लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो आदिवासियों का जंगल चला जाएगा। तो ये मैसेज इतना स्ट्रिक्ट गया है कि अभी इसके सामने कोई भी नैरेटिव अगर बीजेपी क्रिएट करती है उसका वो मिसफायर होगा, उसका कोई बड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और दैट वुड कन्वर्ट इनटू वोट्स फॉर बीजेपी। ठीक है पुष्पराज, अंत में क्या कहेंगे आज इस पूरे स्टेटमेंट के बाद? ऑफ कोर्स इट हैज लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन एवरीबॉडीज माउथ, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, और क्या वाकई में मोदी जी के ऊपर लगाम लग सकती है? जी पुष्पराज। देखिए लगाम लगने ना लगने पे मैच कोई होता नहीं है उसमें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर वो अभी भी संस्थागत मूल्यों से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली एक्शन नहीं लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये पहली बात है, ईसी की बात होगी। दूसरी बात मैं खास करके उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ये आपके माध्यम से मैं आपके उन दर्शकों से बात कहना चाह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा में अभी भी आस्था रखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ये हमारे सबके प्रधानमंत्री है,
इस देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस देश के जितने भी नागरिक है उन सबका ख्याल रखना है। अगर वो प्रधानमंत्री आप दूसरों का हम दूसरों के बीच में अगर बंटवारा करे तो ये सिर्फ मतलब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो नहीं है, नेपाल के प्रधानमंत्री तो नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। और अगर वो बार बार ये डॉग विल करके कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक घुसपैठ है या अल्पसंख्यक ये है वो है, और उनके कई अलग नेता है, जो अभी एक किसी नेता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे वो मस्जिद को मस्जिद की ओर देख के एक बाण चला रहे थे ये संकेत करते हुए कि इसके ऊपर इसको भी गिराया जाए। आपको याद होगा आरएसएस और भाजपा का एक पुराना नारा है कि ये तो झांकी है मथुरा काशी बाकी है, और उन्होंने ये भी कहा है 3,000 मस्जिद बाकी है, राइट। तो ये सब जो भड़काऊ भाषण है जो देश में बंटवारा करते हैं, शांति और अमन के माहौल को बिगाड़ते हैं, इससे ना ही देश की प्रगति होगी, ना ही उन्नति, ना ही कोई मतलब डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप लोग जो भाजपा मोदी जी में अभी भी आस्था रखते हैं, जो आपके दर्शक है, ये आप जरूर समझे कि वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, ना कि सिर्फ एक कौम के प्रधानमंत्री है, उसको आप एक कौमी नेता कहते हैं, राइट। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो एक कौम के नेता थे, वो अपने वो सिद्ध करते थे, पब्लिकली कहते थे कि मैं सिर्फ एक कौम का नेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अगर अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देखते हैं, हिंदू मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, जितने भी लोगों ने इनको वोट दिया है, उन्होंने इसलिए वोट दिया है कि वो पूरे देश हर नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबके प्रधानमंत्री हो। प्लीज बिहेव लाइक दैट, पहली बात ये है। तो ये अपेक्षा हम सब ने उनसे करनी चाहिए, और अगर ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे दीपक जी कह रहे थे, जैसे गिरीश जी कह रहे थे, तो उस पद के गरिमा पे वो आज डाल रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात, किसी हमारे पैनलिस्ट ने ये कहा कि अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाना चाहिए, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है। ये पूरे जो देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तोड़ रही है, काट रही है, एक एक करके वो काट रही है। तो इसका इससे लड़ने की जो जिम्मेदारी है सिर्फ विपक्षी दल, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बल्कि हर प्रगतिशील नागरिक की है। हर प्रगतिशील नागरिक को इस बात के खिलाफ खड़ा होना है फ्रंट लाइन्स में, और एक बुलंद आवाज में इसके खिलाफ आवाज उठानी है। ये मेरा एक मतलब अपील है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे को लेने की बात है, मैं जानता हूं कि 24 तारीख को यहाँ जो जवाहर भवन है, कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसी बात को लेकर अलग अलग दलित आदिवासी बहुजन सॉरी ओबीसी और मुसलमान वर्गों के साथ, जो देश भर के जो प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स है, प्रबुद्ध लोग है, एकेडमिक्स एक्टिविस्ट है, उन सबको साथ लेकर चर्चा करने वाले हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अब चुनाव के परे है। ये सिर्फ एक मामूली वो नहीं है, देखो 10 सालों में इतने बार बार हुए है इस सिविलाइजेशनल एथिक पे, कि अब मतलब जैसे कोई कह रहा था देश के अंदर, जैसे मणिपुर में सिचुएशन हो गई है, वैसे सिचुएशन पूरे देश में हो सकती है, और इसको रोकना, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है, ना कि सिर्फ एक दल की। तो जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को, जिसको भी ये आवाज पहुंच रही है, कि प्लीज किसी और को ये जिम्मेदारी मत सौंपिए कि ये कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या समाजवादी पार्टी करेगी या शिवसेना लड़ेगी या एनसीपी लड़ेगी। नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो राजनीतिक लड़ाई में वो है, लेकिन जो देश की हालत हो रही है इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब इस कंट्री में, इस देश में बराबर के शेयर होल्डर है। तो आज अगर लेंगे हम लोग तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है आगे जाके। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि विश्व के जो तमाम देश हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस स्टेटमेंट पर कैसे रिएक्ट करेगा। आई एम श्योर दे विल रिएक्ट। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2019 में और 2014 में जिस तरीके की कवर स्टोरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आई थी, तो उन्होंने लगता है अपनी आंख खोली नहीं है। और अब फिर इस बार चुनाव के पहले आई एम श्योर इंटरनेशनल मीडिया इस पर जरूर टिप्पणी करेगा, लेकिन आज खुद से वो अपनी हंसी कराने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से बिल्कुल उलट है। आज उनको उनके सलाहकार ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे, ये मेरे समझ से परे है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पराज, अनिल जी, दीपक, गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।